दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं स्मार्ट ऑटोमोबाइल से। एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना आरटीओ की आवश्यकता। नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। स्मार्ट ऑटोमोबाइल मऊरानीपुर। इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए माँ पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानीपुर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। जालौन के विभिन्न थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। जालौन कोतवाली और माधवगढ़ कोतवाली में स्थापित महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने किया तथा चुरखी थाने में बने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन क्षेत्राधिकारी जालौन विजय आनंद ने किया और उरई कोतवाली में स्थापित महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन सीओ सिटी संतोष कुमार ने किया। इन महिला हेल्प डेस्क से महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था तथा उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने तथा महिला हेल्प लाइन नंबर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा उन्हें सम्मान देते हुए उनकी समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारी को इंडोर्स कर शीघ्रता से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन हेल्प डेस्क को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रिंटर आदि, ताकि महिलाओं से जुड़े मामलों को तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और यथासंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। आज हमारे यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है, जो ये हमारी सरकार द्वारा सभी थानों पर हेल्प डेस्क बनाया गया। यहाँ पर जो भी महिलाएं आती हैं अपनी फरियाद लेकर, उनको निष्पक्ष न्याय दिया जाता है व उनकी सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाता है। संबंधी अपराध पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए कुल मिलाकर के महिला सम्मान और सुरक्षा को कायम रखने के लिए ये स्थापित किया गया है। आज हमारे जनपद में नए कलेवर में ये शुरुआत की गई है, आपके सामने इसका उद्घाटन किया गया है, जो नए स्वरूप में है। इसमें लैपटॉप भी है, प्रिंटर भी है, स्मार्टफोन भी है, कैमरा भी है, सारे साजो सामान से सुसज्जित है। समस्याओं के निस्तारण के लिए वो सारे नंबर वो इस पर महिला हेल्प डेस्क पर मौजूद हैं और वो सारे नंबर फीड हैं, उसी के माध्यम से ये इनकी मदद की जाएगी। महिलाओं से जुड़े मामले में तत्परता दिखाने और महिलाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे ज़िले में आज महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। जालौन और माधवगढ़ कोतवाली में स्थित महिला हेल्प डेस्क का आज अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने उद्घाटन किया है। साथ ही चुरखी और उरई का क्रमशः जालौन क्षेत्राधिकारी और उरई क्षेत्राधिकारी ने टीकाकरण डेस्क का उद्घाटन किया है। इस हेल्प डेस्क की स्थापित होने के बाद महिलाओं को सीधे अब महिला अधिकारी से ही संपर्क करना होगा और महिला अधिकारी ही उनकी समस्याओं को सुनेंगी ताकि वो अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकें, बिना बेझिझक कह सकें। इसलिए महिलाओं के लिए ये सुविधा दी गई है। न्यूज़ बीके के लिए जालौन से देवेश कुमार शर्मा।